नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो प्री बोर्ड चल रहा है अभी, और प्री बोर्ड का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का, हिंदी इलेक्टिव का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, उसका आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि ये एग्जाम 20 दिसंबर 2019 को हुआ है। और अच्छे से आपको देखना है। और ये देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इवनिंग शिफ्ट का भी मैंने सॉल्यूशन आपको करवाया है, आप उसको भी एक बार देखिए, क्योंकि वो आपके लिए एक मॉडल पेपर का काम करेगा। आपको वहां से पता चल जाएगा आपका लेवल कितना है, आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में समय बिल्कुल कम बचा है। और अभी जितने से ज्यादा ज्यादा हो सके आपको क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, तो आप इवनिंग वाली वीडियो जरूर देखें। और यहाँ पर सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि आप सब जानते हैं आपके बोर्ड एग्जाम जो है बहुत करीब हैं, और ज्यादातर बच्चे जो होते हैं हिंदी सब्जेक्ट को जो है शुरू से नहीं पढ़ते, और एंड में उठाकर वो देखते हैं एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले। तो फिर जो क्या होता है, परसेंटेज जो मैंने आपको बताया है इवनिंग वाले में भी, जो आपकी परसेंटेज बनेगी भाई, वो आपके मेन सब्जेक्ट जितने भी होते हैं सबको जोड़कर बनेगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं जब आप परसेंटेज बनाओगे तो हिंदी उसमें से अलग हो जाएगी। तो जब आप जितनी सीरियस होके आप पोल साइंस पढ़ रहे हैं, जितना सीरियस होके हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अगर आपने हिंदी को अगर आप हल्के में ले रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी परसेंटेज जो है वो डाउन हो सकती है। तो हिंदी का जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं आपके सामने लाता हूँ, कविताएं आपकी मैंने पूरी करवा दी हैं, और जितना भी आपका गद्यांश, जो आपका गद्य का खंड है पूरा करवा दिया है, अंतराल आपका पूरा करवा दिया है मैंने। अब जल्द ही मैं आपके सामने हिंदी की सीरीज लाने वाला हूं, उसमें जितने भी आपके कवि परिचय हैं, लेखक परिचय हैं, पत्र के फॉर्मेट, काव्यांश कैसे लिखना है, कविता का फॉर्मेट, और निबंध जो है आपका रचनात्मक लेखन, और जितना भी कुछ आपका होता है गद्यांश को कैसे सॉल्व करें, उसकी ट्रिक्स, और जितना भी कुछ होता है आपके सामने मैं लाने वाला हूं। तो आप अच्छे से जुड़े रहें, और जो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन कराया जाता है इसको देखिए और बताइए आपको ये कैसा लगा, क्या आपका एग्जाम अच्छा गया या खराब या मीडियम। तो पहला क्वेश्चन गद्यांश का है। इसमें आपको गद्यांश जो है पहले जाते ही मत पढ़ा करो, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखा करो। सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उतना ही लिखना है कि मतलब 3 से 4 लाइन में जो फिट बैठ जाए, और वो कंटेंट जो आप लिखोगे अपने आंसर में वो आपका गद्यांश से ही होना चाहिए। अपनी तरफ से बनाकर कुछ भी मत लिखना, मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं अच्छे से आपने गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर दिया होगा। बाकी जो कैसे इसको अच्छे से और करना है मैं आपको सीरीज जो हमारी आएगी उसमें और अच्छे से बताऊंगा। और आपका इसी प्रकार से जो ये काव्यांश आता है, जो अपठित काव्यांश आता है, इसमें भी जो है आपको पहले जाते ही आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्वेश्चन को देख के उसके बाद जो है आप ये पद्यांश को पढ़िए। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। और पद्यांश जो है वो आपका अथवा में आता है, और 2 पद्यांश आपको दिए जाते हैं, एक पद्यांश ये है आपके सामने जो आप देख सकते हैं, और एक पद्यांश जो है वो अथवा में यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो है और वो वाला, आप उन दोनों में से जो आपको जिसकी वर्डिंग आसान लगे आप सबसे पहले उसे उठाएं, और क्वेश्चन के जो आंसर लिख रहे हो अपना जो है मतलब वर्ड लिमिट में रहना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम अगर आपने यहाँ ज्यादा दे दिया तो भाई आपके मेन क्वेश्चन रह जाएंगे, तो टाइम मैनेजमेंट पे भी वीडियो आपको जरूर मिलेगी। और अभी फिलहाल आपने जो अपना प्री बोर्ड में, आशा करता हूं आपने ये जो है मतलब सही लिखा होगा, क्योंकि ये सभी का आंसर सेम नहीं होता, इसलिए इसकी कोई पार्टिकुलर आंसर की हो नहीं सकती, और मतलब आगे पीछे करके जो है बच्चा वो लिख देता है इसमें आंसर। लेकिन अगर आपने कंटेंट से जुड़ा कुछ भी लिखा है तो आपको मार्क्स उसमें मिलेंगे। अब अगर बात की जाए अपने सेक्शन बी की, तो यहां से जो है भाई आपका जो है मतलब मार्क्स बढ़ना यहां से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये आपके मतलब सिलेबस से हटकर, और बच्चे का विवेक कितना है, कितना उसके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसकी, कैसे वो राइटिंग स्किल्स है उस पे आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है आपको 150 शब्दों में, लगभग 1.5 पेज में, ठीक है ये समझ के चलिए, लगभग 1.5 पेज में, 1 से 1.5 पेज में आपको एक लेख लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ टाइप में आपको लिखना है, 1 से 1.5 पेज में, 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो 1 से 1.5 पेज में आपको खत्म कर देना है। तीनों में से कोई एक टॉपिक उठा लीजिए। रचनात्मक लेखन है, मैंने आपको बताया रचनात्मक लेखन में आपको फॉर्मल रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक तो निबंध होता है जिसमें आपको पूरा प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करना होता है, और एक एक जो शब्द है उसका चयन एकदम अच्छे से करना होता है, फॉर्मल जो मतलब औपचारिक भाषा का। लेकिन जो रचनात्मक लेखन होता है आपका, उसमें आप अपने शब्दों को डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मैंने अपने शब्दों में लिखा है, बनाकर लिखा है, वो आप इसमें कर सकते हैं। तो रचनात्मक लेखन में आप दीवार घड़ी है,
और दूसरा टॉपिक विदेश यात्रा का सपना, स्वप्न जिसे कहते हैं, और बचपन के दोस्त से अचानक मुलाकात। तीनों में से किसी पे भी डेट पे जा रहा आप आराम से लिख सकते हैं। आपके मन में जो भी विचार आते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, आपको कोई इसमें बंदिश नहीं होगी, बस आपको लिखना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने पत्र का, संपादक को यह पत्र आया हुआ है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियां भारत में सामान्य हो गई हैं, इन आपदाओं से निपटने के लिए क्या सुझाव है वो आप बता सकते हैं। तो ये पत्र में आपको लिखना था, पत्र का फॉर्मेट भी आपको सीरीज में बताऊंगा, तो इंतजार रखिए, बस अपना थोड़ा सब्र रखिए, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दूसरा पत्र यहाँ पर अथवा में आया हुआ है, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, किसानों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए भारत के कृषि मंत्री को सुझावात्मक पत्र लिखिए। तो दोनों में से जो पत्र आपको आसान लगता था वो आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, और पत्र जो है आपको एक पेज से लेकर 1.5 पेज में, ठीक है, 1 पेज तक तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि अब आप 12th क्लास में है तो आपके कंटेंट में जो है थोड़ा दम होना चाहिए, तो इतना आप लिख सकते हैं। और अब आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम से अधिकतम 15 से 20 शब्दों में लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है अभिव्यक्ति माध्यम से, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अभिव्यक्ति माध्यम जो है इसके भी आपको मैं सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं टोटल A to Z आपको यहाँ पर सारे करवाऊंगा मैं, उस सीरीज में एपिसोड्स जो आपके आएंगे पूरा आपको जो है वहां पर प्रिपेयर करवा दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जो आप पढ़ के जाएंगे आपके एग्जाम में सीधा वही क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। और इसमें से जो है पहला क्वेश्चन है, ब्रेकिंग न्यूज से क्या तात्पर्य है? तो भाई ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है, आपके सामने सॉल्यूशन इसका लिखा हुआ है, अगर आपने ऐसे ही कुछ लिखा है तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं पूरे, कि समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेकिंग न्यूज के मतलब, कम से कम समय में जो समाचार है उसको जो दर्शक है जनता तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना। और उल्टा पिरामिड शैली, ये क्वेश्चन भाई इवनिंग शिफ्ट में भी आपका आया हुआ था, और इसका सोल्यूशन ये आपके सामने लिखा है कि यह समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत है, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूचना सबसे ऊपर लिखी जाती है तथा घटते क्रम में कम सूचनाएं, जो मतलब जो कम महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी जाती है, मतलब ये जो होता है उल्टा पिरामिड शैली, आपको पता है कोई भी समाचार पत्र लिखा जाता है तो उसका एक प्रॉपर स्टाइल होता है, किस तरीके से उसको लिखना है, क्या उसकी शैली होगी। तो जो उल्टा पिरामिड शैली है, मोस्टली जो आपके समाचार पत्र लिखे जाते हैं उसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको उल्टा पिरामिड अगर आपने देखा होगा, सीधा पिरामिड का अगर डिजाइन देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। उल्टा पिरामिड का मतलब है ये पिरामिड हो गया उल्टा, और इसमें क्या होता है भाई, जो खबरें होती हैं, जो समाचार पत्र में अगर इस स्टाइल का प्रयोग किया जाता है, जो खबरें होती हैं, कोई भी जो घटना होती है उसकी जो मेन मेन बातें होती हैं सबसे पहले वो बताया जाता है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा हिस्सा बड़ा है। उसके बाद जो थोड़ी कम बात होती है, कम इंपॉर्टेंट, वो बीच में आ जाती है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है बिल्कुल, वो सबसे लास्ट में आ जाती है, इसलिए ये उल्टा पिरामिड सा स्टाइल एक बन जाता है, तो इसलिए इसको उल्टा पिरामिड शैली भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंचार के माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? भाई जनसंचार के जो माध्यम होते हैं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट और आपके कंप्यूटर, इसका क्या कार्य होता है? सूचना देना, शिक्षित करना, जागरूक करना, मनोरंजन करना, एक देश से दूसरे देश तक संदेश पहुंचाना, तो ये सब जो है आप इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रीलांसर किसे कहते हैं? तो जो भाई फ्रीलांसर होता है वो एक पत्रकार का ही प्रकार होता है, बहुत सारे तरीके के पत्रकार होते हैं, और आपको अभिव्यक्ति माध्यम का जो मैं करवाऊंगा अभी सीरीज में, उसमें आपको ये सारे लिखवाऊंगा कितने प्रकार के पत्रकार होते हैं। तो अभी जो है आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, फ्रीलांसर पत्रकार क्या होता है भाई, मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसर पत्रकार वो होते हैं कि मतलब इनका जो है एक और नाम होता है, एक तो इनको फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं और हिंदी में इन्हें स्वतंत्र पत्रकार कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसी भी विशेष समाचार पत्र के लिए काम नहीं करते, जैसे एक विशेष समाचार पत्र हो गया आपका पंजाब केसरी, तो उसके जो पत्रकार उसके लिए काम करते हैं वो तो भाई उनसे जुड़े हुए पत्रकार हैं, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो किसी खास समाचार पत्र से नहीं जुड़े होते, भाई उनको जहां पैसा मिलता है वो उसके साइड से काम करने लगते हैं, ठीक है, कि ये किसी भी समाचार पत्र के लिए काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पंजाब केसरी के लिए करें। जो फ्रीलांसर पत्रकार होगा वो किसी भी समाचार पत्र के लिए कार्य कर सकता है, बदले में वो कुछ अपना पारिश्रमिक लेता है, पैसा लेता है। अगला क्वेश्चन है, संपादकीय किसे कहते हैं? तो भाई संपादकीय किसे कहते हैं कि संपादक द्वारा, संपादक आपका जो एडिटर होता है, संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना पर लिखे गए विचारात्मक लेख को संपादकीय कहा जाता है। तो ये आपके जो है पांच क्वेश्चन जो आपके मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन इसका करवा दिया है, अगर आप ऐसा ही कुछ लिख के आए हैं तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, या इससे जुड़ा हुआ कुछ लिखा है, या आपने बिल्कुल ही उल्टा लिख दिया है, कुछ गलत लिखा है, तो आपके मार्क्स वहां पर कटेंगे। और अभी से मैं आपको बता रहा हूं, अपनी तैयारी एकदम मजबूत रखिए। अब छठा क्वेश्चन है आपका,
कहानी के विभिन्न तत्वों का विवेचन कीजिए। अथवा में यहाँ पर आप एक और दिया हुआ है, सबसे आसान मैं आपको बताऊं फीचर कर लीजिएगा। जहां भी आपको ये फीचर नाम की चीज दिखे भाई, फीचर कम से कम आपको क्या एक पेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक पेज का आपको लिखना है। और टॉपिक भी बड़े आसान से आते हैं फीचर में, जैसे दिल्ली हाट में आयोजित, जो दिल्ली हाट नाम की जगह है, दिल्ली हाट में आयोजित हस्तशिल्प मेला, एक मेला लगा हुआ है हस्तशिल्प का, जो हैंडीक्राफ्ट का होता है, आपको उस पर 100 शब्दों में लिखना है। मेले की विशेषताएं बता दीजिए, एक पेज में आपका खत्म। जो भी आप लिखेंगे अच्छे से अच्छे शब्दों में लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स वहां पर पूरे मिलेंगे। या एक समाचार आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके विद्यालय में आयोजित खेल दिवस के विषय पर, खेल दिवस स्पोर्ट्स डे जो होता है आपके स्कूल में आयोजित किया गया है, आप इस पे एक समाचार लिख दीजिए। तो जैसे आप इंग्लिश में रिपोर्ट्स लिखते हैं, वैसे ही आप इसको हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, कि जो मतलब जैसे जैसे आपके स्पोर्ट्स डे पे जो जो चीजें हुई हैं, आपको पैराग्राफ रूप में यहाँ पर लिख देना है। तो सबसे आसान क्वेश्चन जो आता है आपका फीचर में और ये समाचार वाला, आप ये कर सकते हैं कम से कम समय में। सेक्शन सी की बात की जाए तो ये अब आ गया भाई आपका पूरा का पूरा पाठ्य पुस्तक का सेक्शन आपका, जो मैंने आपको करवाया है अच्छे से। और ये कविता आपके सामने जो है, एक कम लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, एक कम कविता जिसके कवि हैं विष्णु खरे। पूरी आपको जो कविता की व्याख्या मैंने पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। अगर आप इसकी व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। व्याख्या में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान तरीके से व्याख्या आपको पढ़ाई गई है। और बिल्कुल जो है मतलब काव्यांश जो है वो आसान आया है, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने एक एक वीडियो को अच्छे से देखा है। और अगर आप इसको गलत करके आए हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाइए वहां पे और जो कविता एक कम है उसको खोलिए और उसको देखिए। राइट साइड में जो आपके अथवा में कविता आई हुई है, वो भाई आपका भरत राम प्रेम से आई हुई है, ये भी आपको पढ़ाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसको देखिए और वहां पर जाके आप अपनी व्याख्या को मैच करिए। ठीक है, क्योंकि पूरी व्याख्या मैं आपको यहाँ पर तो अब समझा नहीं सकता, यहाँ क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन हो रहा है और जो चीज आपको करा रखी है वो मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप कविता को वहां पर जाके देखिए, कवि इसके तुलसीदास हैं। अगर अपने प्रसंग में जो आप लिखते हैं, जो कवि और कविता का नाम यही लिखा है, तो आपको वहां पर मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कवि कविता का नाम गलत लिखा है तो आपके मार्क्स वहां पर कट होंगे। विशेष जो है, हर कविता का विशेष आपको मैं बताता हूँ एंड में। तो जैसे आप व्याख्या लिखते हैं उसमें विशेष भी आपको लिखना होता है, सारे विशेष जो है आप देख सकते हैं जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हर कविता के एंड में विशेष को बताया गया है। अब 8वां क्वेश्चन जो है, 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना है, कविता के क्वेश्चन है और कोई दो क्वेश्चन इसमें से करने हैं। तो एक क्वेश्चन तो भाई मैंने आपके सामने उठाया है कॉर्नेलिया के गीत का। कॉर्नेलिया के गीत में जो उसने भारत की जो विशेषताओं के बारे में बताया है वो मैंने आपको यहाँ पर हिंट दी है। अगर आप इससे जुड़ा कुछ लिख के आए हैं तो आपको मार्क्स वहां पर मिलने वाले हैं पूरे। जैसे इसमें सुंदर तरु शिखाएं, भारत की सुंदर तरु शिखाओं के बारे में बताया है इस कविता में। लालिमा से युक्त किरणें, ठीक है, जो सूर्य की किरणें, जो लाल जो किरणें आती हैं उनसे जो लुक जो युक्त किरणें हैं उनके बारे में। वृक्षों की सुंदर शाखाएं, पेड़ों की शाखाओं के बारे में बताया है। कमल के सुंदर फूलों के बारे में बताया है। हरियाली पर मंगलमय कुमकुम के समान सूर्य की किरणें हैं जो, ठीक है, जो हरियाली होती है, जो घास होती है उस पर जब सुबह के समय, और जो मंगलमय जो कुमकुम होता है, जो लालिमा से युक्त, जो लाल जो कुमकुम के समान जो किरणें होती हैं उसके बारे में बताया गया है। और लोगों में करुणा की जो भावना होती है उसके बारे में बताया गया है। सुंदर प्रातः काल का दृश्य है, जो सुबह के समय जो मनोहरी दृश्य होता है भारत देश का, उसके बारे में बताया गया है। तो ये अगर आपने लिखा है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो मैंने आपको यहाँ से सॉल्यूशन करवाया है, ठीक है, कोई दो आपको इसमें से करने थे। तो कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है और अंत घोड़ो 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 से हुआ है, ठीक है, तो आपको बताना है कि कवि ने ऐसा क्यों किया। रघुवीर साहब की आपकी कविता है तोड़ो, ठीक है, और अच्छे से आप इसको जो है कर सकते हैं। और कविता इसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो आपके सामने मैंने लिखा है कि कवि ने ऐसा इसलिए किया है कि पहले वह चाहता है कि नव निर्माण करने के पहले जो व्यर्थ के बाधक तत्व हैं, जो वेस्ट की चीजें हैं, उनको नष्ट कर दिया जाए। इसलिए नष्ट करने के लिए तोड़ो शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और जो जब इस तोड़ने का जब ये तोड़ने वाला कार्य पूरा हो जाता है तो नव निर्माण शुरू हो जाता है, और इस कार्य को सफल बनाने के लिए कवि ने घोड़ो घोड़ो शब्द का प्रयोग किया गया। सिंपल सा आपको लिखना है, 30 से 40 शब्दों में, 4 लाइनों में आपको आंसर वहां पर खत्म कर देना है। और कविता का जो है, मैंने आपको एक चीज और बता दूं भाई, जो आपको कविताएं मैंने करवाई हैं यहाँ पे, एंड में आपको क्वेश्चन बताता हूँ इंपॉर्टेंट, और वहीं से आपके सीधे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। चाहे तो आप जाकर मैच कर सकते हैं कविताओं को खोल के, ठीक है। और
खुशी की बात आपके लिए यही है कि अगर आप अपना टाइम यहाँ पर देते हैं वीडियो को देखने में, तो आपको उसका फायदा हो रहा है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से बने रहना है और एक एक वीडियो को अच्छे से ध्यान लगा के देखना है, और हो सकता है कि आप भी जो है वो टॉपर बन जाएं। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है। 9वां क्वेश्चन है आपका, काव्यांश की मतलब जो है काव्य सौंदर्य पर आपको लिखना है, यहाँ पर प्रकाश डालना है, काव्य सौंदर्य लिखना है आपका, 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। दो आपको दिए गए हैं, किसी एक पर लिखना है आपको काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य के आपको पता है दो भाग होते हैं, भाव पक्ष और दूसरा आपका होता है शिल्प पक्ष। भाव पक्ष में आपको थोड़ा इसका भाव बताना होता है कि इन लाइनों का क्या भाव है, क्या इसकी आप व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है, वो आप लिख दीजिएगा 4 से 5 लाइन में। और शिल्प पक्ष आपका होता है, उसमें आपको जो विशेष होता है जो कविता का, वो आपको लिखना होता है। तो इन दोनों में से जो भी आप करके आए हो उस पे जो है आपको इस तरीके से फॉर्मेट में करना था। वैसे आपकी जो सीरीज आएगी उसमें मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि काव्य सौंदर्य जो है कैसे आपको करना है। और ये आपका जो है वसंत आया से आपका ये जो है ये काव्यांश दिया गया है, और आप इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन जो है आपका गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या। भाई ये थोड़ा घुमावदार आ जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को याद नहीं आता कौन से पार्ट से ये गद्यांश उठाया गया है, लेखक किसके कौन है, तो ये भी याद नहीं आता है। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा आने वाली सीरीज में। और जो 10वां क्वेश्चन है आपको बताना है कि इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में आपको सबसे पहले संकेत लिखना होगा, संकेत में आपको यह लोग से लेकर यह लोग पहले आपको लिखना है, उसके बाद ऐसे ऐसे लाइन करके और आपको नष्ट हो जाते हैं तक ये लिख दो। और उसके बाद प्रसंग आपको लिखना है, प्रसंग में आपको बताना है कि जो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा द्वारा जी रचित पाठ जहाँ कोई वापसी नहीं से लिया गया है। ठीक है, और फिर इसकी आपको व्याख्या लिखनी है कि इसका आप क्या निचोड़ बना सकते हैं, कि आधुनिक भारत के शरणार्थी आखिर कौन है, औद्योगिकरण के कारण क्या क्या उनको समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। आप थोड़ा सा इसको जो है व्याख्या के रूप में आप यहाँ लिखेंगे, विशेष आपको बताना है। ठीक है, और जल्द ही जो आपकी जो सीरीज आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गद्यांश की जो व्याख्या होती है उसका विशेष कैसे लिखना है, क्योंकि कविता का विशेष और गद्यांश का विशेष इसमें होता है फर्क। तो आपको वेट करना है, सीरीज में आपको सब बताऊंगा। और अभी जो है आपको मैंने यहाँ पर हिंट दे दिया है कि जो आपके मार्क्स ज्यादातर कटते हैं वो पाठ और लेखक के नाम में कटते हैं। तो पाठ का नाम जो जो है जहाँ कोई वापसी नहीं, लेखक है इसके निर्मल वर्मा जी। अगर आपने इसको ऐसे ही लिखा है तो आपका ये सही माना जाएगा। और 11वां क्वेश्चन, इसमें से भी कोई दो क्वेश्चन आपको करने हैं और दो के सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। जो पहला सॉल्यूशन है आपके सामने वो है, कुटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। तो इसका जो आंसर है की पॉइंट में मैंने आपको यहां बताया है कि एक तो भाई कुटज जो है कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानता, बुरे समय में हमें हताश नहीं होना चाहिए, ये हमें कुटज से पता चलता है। किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाने चाहिए, विपरीत परिस्थितियों से डटकर हमें मुकाबला करना चाहिए, जीवन से कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये सब जो है वो हमें बताता है, और इस तरीके से वो अपनी जीवन शक्ति की घोषणा करता है। और अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ सोल्व करवाया है वो है, बड़ी बहुरिया का संवाद हर गोबिंद क्यों नहीं सुना सका। तो इसमें मैंने आपको बताया कि हर गोबिंद जो था संवाद वो क्यों नहीं सुना सका, क्योंकि बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी थी। यदि वह ऐसा कहेगा कि बड़ी बहुरिया जो है बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है, तो जो सुनने वाले हैं, जो उसका संवाद सुन रहे हैं, वो हमारे गांव का नाम लेकर थूकेंगे, इससे सारे गांव की बदनामी हो जाएगी। ठीक है, और वो ऐसा नहीं चाहता था कि गांव की बदनामी हो, और इसीलिए वो जो है अपना संवाद नहीं सुना पाया जहां पर वो सुनाने गया था। तो ये दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके सामने मैंने बताए हैं, कीवर्ड्स में अगर आपने ऐसा ही लिखा है तो आपका आंसर सही होगा। 12वां क्वेश्चन, कवि परिचय और लेखक परिचय का आपका आता है, और जो भी आपने इसमें से याद किया होगा, चाहे आपने कोई कवि याद किया हो, चाहे आपने कोई लेखक याद किया हो, आपने वहां पर अगर सही लिखा है तो आपको उसके मार्क्स जो है पूरे फैक्ट के मिलेंगे, क्योंकि आंसर की में फैक्ट टू फैक्ट पॉइंट लिखे होते हैं। जन्म, मृत्यु, शिक्षा, डिग्रियां और जितना भी रचनाएं होती हैं सब आपको डिट्टो याद करनी होती है। और सारे कवि परिचय और लेखक परिचय आपको मैं कराने वाला हूँ अभी, उसकी जो पूरी सीरीज में ये भी इंक्लूड होगा, जो जो आपकी चीज रह रही है आपके ये लेखक परिचय कवि परिचय आसान से आसान भाषा में आपको याद करवाऊंगा, और ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से लिख के आ सकें। और अभी जो आपके आज के एग्जाम में जो भी आपने इसमें अच्छे से लिखा है याद करके, आपको उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो इसमें आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, जो लेखक परिचय होता है उसमें मार्क्स मिलते हैं। 13वां क्वेश्चन है जो आपका अंतराल बुक से है, और इसमें जो है आपको फायदे की बात क्या है कि मॉर्निंग शिफ्ट का जो है पेपर है, इसमें ये जो दो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आपके सामने रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कोई भी तीन आपको इसमें से करने हैं।
पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ रीड करके, कि अपने पति भैरों के व्यवहार से तंग आकर सुभागी रात भर कहाँ छिपी रही। एक तो आपको ये बताना है, आप बता सकते हैं उस पर क्या आरोप लगाया गया, आप सुभागी को किस प्रकार की स्त्री मानते हैं, सुभागी जैसी स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए आप क्या करने का सुझाव देंगे। तो अपने सुझाव इसमें आपको बताने हैं, अच्छे से आप बता सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके नहीं दिखाया, क्योंकि ये आपसे पूछा गया है कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो आपका विवेक जितना चलता है, जितना आप अपने मन से सोच सकते हैं कि स्त्रियों की इस दशा को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने शब्दों में लिखना था। तो अगर आपने लिखा है तो आपको मार्क्स वहां पर मिलेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपके ऊपर चॉइस दे दी गई है कि आप क्या समझते हैं। जैसे आरोहण कहानी में बताया गया है कि गांव तक जाने के लिए 11 साल बाद तक भी कोई मुकम्मल सड़क नहीं बन पाई थी, उस स्थिति को आप किस रूप में लेते हैं, और गांव तक पक्की सड़क का ना होना अपने आपके आप में क्या भाव जगाता है, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं, इस दिशा में आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें आपको फिर से अपनी राय बतानी है, अपनी राय अगर आप अच्छे से पेश करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपका इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो। अगर आप सही से पेज भर के आए हैं, अपने अच्छे विचार लिख के आए हैं, तो कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर बात की जाती सिंपल क्वेश्चन आता बुक से सीधा, तो अब तो भाई आपको पूरा कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखना होता, लेकिन यहाँ पर आप अपना अपने से बना के लिख सकते थे। और तीसरा क्वेश्चन जो है, इसका सॉल्यूशन आपके सामने मैंने दिया है, जो डायरेक्ट बुक से आया है आपकी, कि बच्चे द्वारा माँ का दूध पीना, सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंध का जीवन चरित होता है, निहित जीवन मूल्यों की दृष्टि से प्रस्तुत कथन की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन अगर जिसने किया है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको मैच करना है, कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, बचपन में वही उसके लिए पौष्टिक भोजन होता है, बच्चा चाहे कुछ भी खा ले परंतु माँ का दूध उसकी सेहत के लिए लाभदायक होता है, माँ आंचल में छुपाकर बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा रोता है, माँ को मारता है, फिर भी माँ से चिपटा रहता है, और माँ का दूध जो है माँ और बच्चे के संबंधों को मजबूत करता है। ये आपको आंसर इसमें लिखना था, कीवर्ड अगर आपके मैच हुए हैं तो आपका आंसर सही है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक और यहाँ पर भाई आपके विचार से यहाँ पर करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी आप अपने विचार लिख सकते थे, आपके मार्क्स कटने का डर बहुत कम होता है ऐसे क्वेश्चंस में। और लिखा है कि अपना मालवा पाठ में बताया गया है कि हमारी आज की सभ्यता नदियों को जो है मतलब गंदे पानी के नालियों के रूप में जो है बदल रही है, क्या आप इस कथन से सहमत है, अपने विचार लिखिए। तो आप इसमें बता सकते हैं आज के टाइम में कि कैसे नदियां प्रदूषित हो रही हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, ये वाला क्वेश्चन जो आपका सूरदास की झोपड़ी वाला है। वैसे मैंने आपको कोई भी तीन क्वेश्चन इसमें से करने थे, तो आप ये मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जो आपके ऊपर सुझाव देंगे ऐसा क्वेश्चन है ये आप पहले कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप बना बना के लिख सकते हैं, मार्क्स आपके कटने के डर बहुत कम बचेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आपको ये कोई भी इसमें से तीन क्वेश्चन करने थे, और इस तरीके से जो है अंतराल बुक का जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पर तीन क्वेश्चन आपको करने थे। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैंने यहाँ पर आपका पूरा जो है सॉल्व करवा दिया है, आपके सामने मैं सीरियस की बात कर रहा हूँ बार बार आपको, अभी से मैं जागरूक कर रहा हूँ आपको, मैं जागरूक कर रहा हूँ और आपको सीरियस कर रहा हूँ कि भाई जाग जाइए, बोर्ड एग्जाम में अब टाइम बिल्कुल कम बचा है, और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। जितनी भी कविताएं हैं लास्ट में आपको एक रात से पहले, एक रात पहले नहीं, पूरी आप व्याख्या याद कर पाएंगे, अभी से ही सारी कविताओं की व्याख्या देखिए, और सभी क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे से हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है, आपको अच्छे से याद रखने हैं ताकि कोई भी डाउट ना हो आपको। सीरीज जो है आपकी जल्दी आएगी, सारे उसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आप अच्छे से जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, और आप कमेंट में बताइए आपका एग्जाम कैसा गया, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपको कहा है आप बताइए पेपर आपका कैसा गया है, वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।